कल्याण शहर से सटे टिटवाला बल्याणी परिसर के हजारों रहवासियों के एक साथ घर टूटने से गुस्साए नागरिकों ने रविवार को ट्रेन सेवा 2 घंटे तक रोक दी, जिसके चलते कल्याण कसारा मार्ग 2 घंटे तक प्रभावित रहा। टिटवाला में शुक्रवार को वन विभाग द्वारा करीबन 400 घरों को 4-4 JCB लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। इसी बात से रहवासी नाराज थे, जिसके चलते रविवार को बल्याणी टिटवाले के रहवासियों ने रेल रोको आंदोलन किया। रविवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कल्याण कसारा के बीच आने जाने वाली सभी ट्रेनें आंदोलन के चलते बाधित रही। वन विभाग, महापालिका, पुलिस सहित दो माफियाओं पर नागरिकों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा और गुस्साए लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया। वहां रहने वाले सभी नागरिकों ने अपने जीवन की पूंजी लगाकर घर खरीदे थे, जिसके बाद आज भी वे लोग बेघर हैं। बता दें कि पीड़ित नागरिकों ने एक घर के लिए 4 लाख रुपए देकर चाल माफियाओं से घर खरीदे थे। नागरिकों का कहना है कि जिस वक्त ये घर बनाए जा रहे थे, तब वन विभाग कहाँ था? उस समय ना तो वन विभाग ने कोई एक्शन लिया और ना ही अन्य किसी विभाग ने। वर्षों बाद अचानक नींद से जागे वन विभाग के अधिकारियों ने सैकड़ों लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया। आंदोलन के चलते रेलवे राजस्व को नुकसान होने की वजह से कल्याण रेलवे पुलिस आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने में जुटी हुई है।